अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जो साड़ी तुझे मम्मी जी ने दी थी वो क्यों नहीं पहनी तूने? नहीं एक्चुअली वो साड़ी, अरे बासोनी तुम्हारी बहू तो बड़ी मॉडर्न है। आजकल की बहुओं में तो शर्म हया कुछ बची ही नहीं है। आंटी इस स्कर्ट टॉप में मेरा पूरा शरीर ढका हुआ है, फिर किस बात की शर्म? ये तो मैं शादी से पहले भी पहनती थी, अब तो किसी ने शर्म हया के लिए नहीं टोका। जूही बेटा बात उस शर्म की नहीं है, बात ये है कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम इस घर की बहू हो और आज तुम्हारी मुंह दिखाई है। और बेटा क्या है ना, रस्मों रिवाजों में कपड़े पहनने का कुछ तरीके होते हैं। मम्मी जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी जूही को तैयार करके लेके आती हूँ। जूही चल। जूही एक मिनट। सॉरी आंटी लेकिन शादी से एक दिन पहले ये स्कर्ट और टॉप लड़की के लिए परफेक्ट होती है, तो शादी के अगले दिन ये उसकी बेशर्मी क्यों बन जाती है? कुछ घंटे में सब लोग लड़की से घूंघट की उम्मीद क्यों करने लग जाते हैं? और ये मुंह दिखाई की रस्म क्या होती है? लड़कियां कोई शो पीस है क्या जिन्हें देखने के लिए टिकट लगानी पड़ती है? लड़कों के लिए कोई ऐसी रस्म या उनसे कोई ऐसी उम्मीद क्यों नहीं की जाती? हाँ जूही की बात तो सही है जीजू, बात तो सही है साले साहब, पर टाइम और जगह गलत है। अरे सुमित्रा तुमने हमारी यहाँ बेइज्जती करने के लिए बुलाया क्या? तुम्हारी बहू को तो बात करने की तमीज नहीं है और तुम इसकी मुंह दिखाई कर रही हो। ये देखो कैसे भवर चढ़ा रही है, मेरे बहू को तो 10 साल हो गए लेकिन आज तक उसके सर से पल्लू नहीं उतरा, और ये महारानी अभी से अपनी अकड़ दिखा रही है। जब इसे ही रसम में दिलचस्पी नहीं है तो हमें भी नहीं करनी इसकी मुंह दिखाई। चलो जी। आंटी जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती, आप लोग प्लीज ऐसे मत जाइए। आंटी जी मेरी बहन थोड़ी नादान है, थोड़ी बेबाक है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, उसे रीति रिवाजों के बारे में ज्यादा अंदाजा नहीं है। आप लोग बस थोड़ी देर रुक जाइए, मैं अभी जूही को तैयार करके लेके आती हूँ। जूही सबसे माफी मांग ले। जूही माफी मांग। सॉरी। देखिए अब तो उसने माफी मांग ली ना, अब आप लोग रुक जाइए और आशीर्वाद देकर जाइए। रूही संभालो अपनी बहन को, उसके प्यार में ये मत भूलो कि तुम भी इस घर की बहू हो, गोहिल परिवार की इज्जत बरकरार रखना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। अब एक काम करो, इसे लेकर जाओ और 10 मिनट में तैयार करके नीचे ले आओ, जाओ। जी जी मम्मी जी। जूही हर चीज में सवाल नहीं उठाया जाता, कुछ चीजें बस कर लेनी चाहिए। चल मैं तुझे तैयार करके लेके आती हूँ। चल जी। वो क्या है ना, अभी बचपना है उसका, रस्मों रिवाजों को समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। आप लोग खाइए ना, बस अभी तैयार होके आ ही रही है। जूही तूने क्या किया नीचे, और तूने मम्मी जी की दीवी साड़ी क्यों नहीं पहनी? अरे पहनी थी, तेरी मम्मी जी की दीवी वो त्रेता युग वाली 100 किलो की साड़ी पहनी थी मैंने, पर ना ही उसका ब्लाउज फिट आ रहा था ना ही साड़ी अच्छे से बन रही थी, फिर भी जैसे तैसे पहन ली थी मैंने रूही, लेकिन आते वक्त उसका पल्लू फट गया था। ये देख। जूही अगर तुझे दिक्कत हो रही थी तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे लगा मैं मैनेज कर लूंगी, पर मुझे संभल ही नहीं रही थी, इतनी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। बस जूही मुझे अब तेरे कोई नखरे नहीं सुनने। जूही ये रीति रिवाज है, कोई मजाक नहीं चल रहा है, और अभी तो चुपचाप जाओ ये साड़ी बदल कर आ और इस टूटे हुए पल्ले के पीस बना दे। हर किसी को बस मुझ पर ही जोर चलाना है। ला। जूही तू शादी से भागी क्यों थी?
जूही, तूने खुद इस शादी के लिए हाँ कहा था ना, और मैंने तुझसे पूछा भी था, और तूने कहा था कि तुझे ये रिश्ता मंजूर है, तो फिर तू बारात को ऐसे दरवाजे पर छोड़कर कैसे भाग गई? वो एक्चुअली वो नीचे सब जूही का इंतजार कर रहे हैं। समर भैया बस दो मिनट में। ओके। जूही तो टेंशन मत ले, ये रस्में और रिवाजें बस शुरुआत के दिनों में होते हैं, और तू इनसे चिढ़ने के बजाय इनको एंजॉय करना और खुश रहे, समझी? टेंशन मत ले। एक काम कीजिए, आप यहाँ आइए, इसमें सब मसाले मैंने डाले हुए हैं बेटा जी, सिर्फ आपको कलछी चलानी और धीरे धीरे कलछी चलाए, कुछ काम नहीं करना है। मैं आटा खोल देती हूँ। आपको आदत नहीं है ना बेटा जी, आइए कर लेंगे आप पक्का? हाँ बेटा जी, मुझे तो आदत है, मतलब कर लो। प्रेजेंटेशन अभी देनी होगी? ओके ओके, मैं अभी आपको प्रेजेंटेशन भेजती हूँ। क्या? ओके दादी जी, वो थे ना एक अर्जेंट कॉल आ गई, मुझे वहां पे प्रेजेंटेशन देनी है, अगर ये डील पक्की हो गई ना तो समझिए पैसा ही पैसा, हम ना बहुत माला माल हो जाएंगे। सच्ची पूछी? लेकिन आप इतना ढेर सारा काम अकेले कैसे करेंगी? हेल्प कराना भी तो जरूरी है ना। अरे नहीं 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 बेटा जी, एक काम करिए, आप जाइए, आप जाके वो प्रेजेंटेशन दीजिए, उस काम ज्यादा जरूरी ना, बिजनेस जरूरी है। इतना सारा काम आप कर लेंगी? अरे बेटा, मैं तो जिंदगी भर से करती आ रही हूँ, मेरा क्या है, आज और कर लूंगी। आप जाइए ना। कहाँ? अरे बेटा जाइए, आप जाइए, अच्छे से दीजिएगा वो प्रेजेंटेशन। आप दादी जी बहुत स्वीट है, थैंक यू, मैं अभी आती हूँ। शाबाश। दस बज रहे हैं, 10 बजे चाय बिस्कुट खिलाओगी तो नाश्ता कब कराओगी हमें? तुम मैं घर की बहू हो, अब जाओ जाकर नाश्ता लेकर आओ। अरे कच्चा पक्का जैसा बना है वैसा लेकर के आओ। ये क्या है दादी जी? दोपहर को मेरी कुछ सहेलियां आने वाली है लंच के लिए, ये सीखा मैंने। ठीक है, मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ। कोई ऑर्डर वॉर्डर नहीं होगा, ये सब कुछ तुम्हें बनाना पड़ेगा अपने हाथों से। पला जी दादी जी, चावल की हमने कर्ची नहीं डाली। कर्ची दादी जी, चम्मच नहीं है थाली में। पला जी दादी जी, चम्मच नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी। बहुत इंतजार कर लिया, अभी हमें घर में और भी काम है तो हम चलते। आगे जूही, आगे। लो आगे, बैठो बैठो बैठो।
सुई धागे से जल्दी जल्दी में जूही की साड़ी तो सिल दी। खाटू जी अब कोई गड़बड़ ना। एक बात माननी पड़ेगी सुमित्रा, पहली बहू तुमने भले ही अंधेरे में से चुन के लाई हो, लेकिन दूसरी बहू एकदम हीरे जैसी तराश के लाई है। बड़ा मटकती थी ना, इतराती थी, अब मजा चखाएंगे तुमको। कर काम। मतलब पिंकू जी की बाइक की आवाज है ना? हाँ, एक काम कर, वो कभी भी अंदर आते होंगे, तू जा जाके उस पूनम को बुढ़िया को सबक सिखा। जा 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 जा। अरे वाह दादी जी, आपने तो सारा काम कर दिया, मेरी कॉल भी हो गई। अब ना ये जो भी बाकी सारा काम है ना वो मैं कर देती हूँ। आप जाइए, आप आराम कीजिए, बहुत गर्मी है। नहीं बेटा जी, खाना ना तो बन ही गया है, अब जरा सा सफाई वाई करनी, मैं कर लूंगी। अरे कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं कर लूंगी, आप जाइए ना। देखिए ना कैसे पसीना पसीना हो गया, कितनी गर्मी है यहाँ पे। आप जाइए मैं कर सारा काम कर लूंगी, आप जाइए जाइए जाइए। कर लेंगे? हाँ कर लूंगी पक्का। बेटा जी प्रेजेंटेशन कैसी थी? बहुत अच्छी थी, सारा सब कुछ हो गया। जाइए जाइए जाइए। ठीक है ठीक है ठीक है। मलिष्का जी, आप ये सारा काम क्यों कर रही हैं? क्या वो मतलब आपको तो ये सब काम करने की आदत भी नहीं है और फिर भी? हाँ इट्स ओके, मैं कर लूंगी। नहीं नहीं मलिष्का जी, कैसे कर लेंगी आप, पसीने में पूरी तरह से भीग चुकी हैं आप। छोड़िए आप, चलिए चलिए आइए। नहीं नहीं, अरे आइए मलिष्का जी, प्लीज आप आइए, चलिए बैठिए आप यहाँ पे, पानी पीजिए आप। मैं रुकिए, मैं ठंडा पानी लेके आता हूँ। ये रहा ठंडा पानी। अब कितना पसीना आ रहा आपको मलिष्का जी, ये लीजिए साफ कीजिए। थैंक यू मलिष्का जी। वैसे आप क्यों काम कर रही थी, इतनी गर्मी हो रही है? ओके थोड़ा बहुत ही काम था, साथ ही कर लेती ना। बेटा आ गया तो? दादी क्या है ये सब, अब इतनी गर्मी में मलिष्का जी से सारा काम करवा रही है। आपको पता ना कि मलिष्का जी को ये सब काम करने की आदत ही नहीं है और फिर भी। भगवान ना करे अगर चूल्हे की आग या फिर गरम तेल इन पे गिर जाता और छाले पड़ जाते तो फिर दादी। इट्स ओके मैम, मैनेज कर लूंगी। ये तो शुरुआत है दादी जी, आगे आगे देखिए होता है क्या। ने इतनी बार क्यों फोन किया? घर पर सब ठीक तो है ना? एक बार उनको कॉल करके पूछ लेती हूँ। आरोही। दादी सॉरी, मेरा फोन चार्जिंग पे था, मैं देख नहीं पाई। क्या हुआ, आपने इतने सारे मिस कॉल्स क्यों किए? सब ठीक तो है ना, आप लोग सब ठीक हो ना? अरे हम दोनों बिल्कुल ठीक है, तुम उसकी चिंता ना करो। अच्छा ये बताओ, ये जूही फोन क्यों नहीं उठा रही? मैं कितनी बार फोन कर गई उसे, हा? नाराज है क्या मुझसे? जरा उसे फोन पे बात करो, मुझे बात करनी है उससे। दादी वो तो आराम कर रही है, थक गई होगी ना। अच्छा सुन रूही, जूही की मुंह दिखाई कैसी रही?
लोग तो उसकी सुंदरता के कायल हो गए होंगे, भर भर के शगुन के लिफाफे पकड़ाए होंगे उसे। भाई वो कबूल बांधे में हुआ क्या बता ना, चुप रे, हुआ क्या बोल। आजकल की बहुओं में तो शर्म हया कुछ बची ही नहीं है। तुमने हमारी यहाँ बेइज्जती करने के लिए बुलाया क्या? हमारी बहू को तो बात करने की तमीज नहीं है। हाँ दादी, सब अच्छे से हो गया और सबने जूही की बहुत तारीफ भी की। दादी मैं आपकी जूही से कल बात करवाती हूँ, ठीक है? बाय। ठीक है, ठीक है। अरे सुन सुन सुन, ये बता आज उसकी पहली रसोई थी ना कैसी रही? उसे तो कुछ बनाना भी नहीं आता। तूने जरूर मदद की ना उसकी पहली रसोई में, मुझे मालूम है। वैसे एक बात तो है रूही, जब इंसान सुंदर हो ना तो उसकी सुंदरता ही मायने रखती है, गुणों से किसी को कोई लेना देना नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आपने पूनम जी, आपकी एक पोती उजला सवेरा तो दूसरी घना अंधेरा है। लेकिन क्या है ना पूनम जी, जब सवेरे की रोशनी आंखों में चुभने लगती है ना तो इंसान को मजबूरन काला चश्मा लगाना पड़ता है। यहाँ भी वही हाल है पूनम जी, आपने आपकी पोती की सुंदरता पर इतना ध्यान दिया है ना कि उसे बाकी सब कुछ सिखाना तो भूल ही गई। अब क्या है ना, सिर्फ सुंदर चेहरे से पेट नहीं भरता ना। हाँ, आप भी कैसी बातें करती हैं समदन जी, अपनी दो दो पोतियां भेजी तो है आपके घर में। एक बहन को अगर काम नहीं आता है तो दूसरी को तो आता है ना, वो कर देगी अपनी बहन की हर कमी पूरी। बेटा कल अपने पूरे ससुराल वालों को मेरी जूही की तरफ से उनका मन पसंद खाना बनाकर खिलाना और जूही का ख्याल रखना। जी दादी। वैसे सुमित्रा जी एक बात बता दूं मैं आपको, मैं सच कहूं तो इस जमाने में ना बाहरी सुंदरता ही मायने रखती है। अरे गुणों से किसी को कोई लेना देना नहीं होता। भाग खुल गए आपके परिवार के, जो चांद सी अपनी पोती आपके घर भेजी है मैंने, वरना मेरी जूही जितनी सुंदर आपके घर में आज तक कोई लड़की पैदा नहीं हुई होगी मैं कह देती हूँ। आई बड़ी रूही, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी दादी ने तुम दोनों बहनों को इस तरह पाला है जैसे जूही कहीं की महारानी और तुम उसकी नौकरानी हो। रोही प्लीज, तुम दादी की बातों का बुरा मत मानना, दिल से मत लगाना, तुम्हें तो पता है ना वो कुछ भी बोल देती है। नहीं नाशी, अब मुझे इन सब बातों का बुरा नहीं लगता, मुझे आदत हो गई है। तुम्हें इन सब बातों का बुरा लगना चाहिए रोही, मैं नहीं चाहता तुम्हें ऐसे किसी चीज की आदत हो जिससे तुम्हारे सेल्फ रेस्पेक्ट, तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। रूही, जूही तुम्हारी बहन है, मैं जानता हूं तुम्हें उसकी फिक्र रहती है, बचपन से लेकर आज तक तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इस घर में तुम्हारी और जूही की जगह बराबर की है। रोहित, मैं जानता हूँ जूही की अभी अभी शादी हुई है, वो इस घर में नहीं है और मैं तुम्हें उसकी मदद करने से रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने कामों की जिम्मेदारी उठानी होगी, उसे खुद करना होगा। तुम हमेशा उसकी मदद नहीं करोगी तभी तो वो सीखेगी। रोहित, खुद का सम्मान करो तभी लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।